मतलब गोबर की खाद इन सब का यूज करके। तो बहुत दूर की बात है, लोग उन चीज़ों को उगाना बंद कर दिए हैं जो आज के 20 साल पहले खाकर लोग। यहाँ पर कुछ दुकानदार आए हैं अपना अच्छा दवा लेकर, यहाँ पर सबको दिखाएंगे। यहाँ पर ये बीज भंडार वाले हैं भैया, अपने बीज को लेकर आए यहाँ पर सेल कर रहे हैं सस्ते दामों पर, अच्छे दामों पर, और वैरायटी वाला मस्त जैसे आप देख सकते हो। इसके बारे में बताएंगे जो भी आप पूछोगे। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी दवाई है, यहाँ के दुकानदार गायब हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी बीज और दवाएं रखी गई हैं, और ये भाई साहब बताएंगे कुछ खा पी रहे हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर अच्छे से समझा गया धान को, जैसे ये धान को आप देखिए MR 8666 है, ये धान ऐसा होगा। और आप जब चावल की बात करेंगे तो चावल ऐसा दिखेंगे। ये दूसरी वैरायटी है MR 8383, ये देखिए। ये दूसरी वैरायटी है MC 13, ये दूसरी वैरायटी है अक्षय। यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया कि ये वैरायटी में ऐसा धान होगा। यहाँ पर मशीन है, मशीन के बारे में आप पूछ सकते हो कैसे यूज करते हैं, क्या कैसे यूज करते हैं। और ये भाई साहब है ये बताते हैं, ये देखिए पूछ रहे भाई, किसान भाई, मतलब कुछ किसी भी तरह का डाउट हो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह के बीज है और बीजों को बेचा जा रहा है। ये धान को यहाँ रखा गया है, ये है US 362। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों का नंबर, नाम, सारी चीज़ें लिखी जा रही है। ये किस लिए लिखा जा रहा है? ये डाटा लिखा जा रहा है किसानों से बाद में। अच्छा, कांटेक्ट किया जा सके के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, इसी तरीके से सब करते हैं। अच्छा, मैं भी अपना नाम लिख दूँ? अपना नाम मैं भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने भी अपना पता दे दिया है, कभी भी मैं कॉल कर सकता हूँ, मतलब ये करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है, दवाएं और मास्क। यहाँ पर समझाया जा रहा है दवाई के बारे में, समझाया जा रहा है, सर समझा रहे हैं। यहाँ पर कई दवाएं रखी गई हैं और दवाओं के बारे में सर बताएंगे। जो भी किसान आते हैं आप जानकारी ले सकते हो, बहुत सारी दवाएं हैं। और ये हमारे सर हैं, ये बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी जैसे गन्ने में कौन सी दवाई डालने हैं अच्छी किस्म के लिए, ये सर बताते हैं। कोई भी किसान आके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। ये सर भाई ये साथ खास है कुछ, और ये साथ किसानों जी का नाम नोट करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर पुरानी खेतियों के बारे में कार्य हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर उस खेती के बारे में काम कर रहे हैं जिसे हम आज 20 साल पहले छोड़ चुके हैं। अच्छा, जो काम हम पहले 20 साल पहले करते थे, जो 20 साल पहले हम कर रहे थे, हम चाह रहे हैं वही खेती की जाए। जो मतलब गोबर की खाद इन सब का यूज करके। तो बहुत दूर की बात है, लोग उन चीज़ों को उगाना बंद कर दिए हैं जो आज के 20 साल पहले खाकर लोग स्वस्थ हुआ करते थे। मोटे अनाज उन तिलहनी फसलों को यहाँ आपके सामने उपस्थित है, इसका भी अच्छा डायग्राम बनाओ जो बना रहे हैं। ये क्या है सर? ये कुसुम का पौधा। इससे तेल निकाला जाता है, इसकी पूरी ऑयल प्लांट है। अच्छा, जैसे आज हम आप सरसों देख रहे हैं, जी सूरजमुखी देख रहे हैं, जी वैसे ये कुसुम फूल है। अच्छा, इस कुसुम इसके जो बीज बनते हैं उससे तेल निकाला जाता है। उसका उत्पादन मतलब उसका प्रयोग तेल के लिए करते हैं। टाइगर फ्लाइड होता है, मतलब जो हार्ट अटैक पेशेंट्स होते हैं, जी जी उन सबके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, 76 पॉइंट समथिंग इसमें पाया जाता है।
तो भाई आप देख सकते हो ये भी तेल के लिए यूज किया जाता है, ऐसा सर ने बताया है। और ये सारी चीज़ें हम छोड़ चुके हैं, ये इसका तेल खाकर हम लोग काफ़ी स्वस्थ रहते थे, और अब हम जिन तेलों का यूज करते हैं उससे काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, जिससे हमारे पास जो धनराशि होती है उसका बहुत हार होता है। और ये सर ने बताया, सर को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही किसानों को जानकारी देते रहते हैं, कोई भी आकर मिल सकता है। थैंक यू सर। तो बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने मिल लिया, इन दो बंदों से भी मिल लो भाई, ये दो लोग बहुत खास मेहमान हैं, हम लोगों ने बुलाया है, अभी आएंगे चाय वाय लेके।